जय माता दी आपको। माँ आदिशक्ति सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे और सबकी मुश्किलात दूर करे, और जो भी जिस नियत से आया है यहाँ पर, जिसकी जो मनोकामना है, माँ आदिशक्ति सब पूरी करे। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जोत हमेशा उजाला करती है, जोत हमेशा सुख देती है, और आपके जीवन के अंदर वो सुख हमेशा, वो वर्षाएं होती रहें आपके जीवन के अंदर। जय माता दी आपको। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी है सिस्टर, ये 12 घरों का खेल है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं सिस्टर। एक पुराने समय पर लेकर चलता हूँ मैं आपको, भगवान बुद्ध जब वो पैदा हुए थे तो पैदा होते ही उनके बारे में बता दिया गया था, जब इनके सामने दुख आएगा तो ये वैराग को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी कि ये ऐसा होगा, और उनके पिता ने बहुत सारा उन्हें बचाने की कोशिश किया, उन्हें छुपा दिया हर जगह से, लेकिन वो हुआ। हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा, सबकी जिंदगी के अंदर सुख है, सुख दिया हुआ है उसने, उस ईश्वर ने लिखा हुआ है उसने अपने कलम के साथ कि इसको मिलना ही मिलना सुख है, लेकिन हम कहीं और भटक जाते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। ये 12 घर कामयाबी की सीढ़ी है, अगर इसके ऊपर कोई सही तरीके से चलता है और सही तरीके से काम करता है तो वो आदमी जीतता ही जीतता है। जब भी कोई गाड़ी चलती है तो एक कील चुभ जाए और उससे वो टायर बस्ट हो जाता है, वो गाड़ी आगे जा ही नहीं पाती, गाड़ी रुक जाती है, उसके बाद गाड़ी का चलने का रास्ता नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी खराब है, गाड़ी खराब नहीं है, सिर्फ एक कील थी, कील ने उसकी टायर को बस्ट कर दिया, पंचर कर दिया, और वो गाड़ी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, ऐसे ही हमारा एक लेवल है, छोटी छोटी कीलों से भाग्य में अवरोध पंचर हो जाता है, अवरोध पैदा होता है, हमें पता नहीं लगता, हम कहीं और करते हैं, कभी और चले जाते हैं, और उससे हम परेशान हो जाते हैं।